आज मैं मक्के का भात बनाऊंगी। तो देखिए है, मैं इसको ज़्यादा में दबा चुकी हूँ और फिर इसको मैं यहाँ चालन में ले लूँगी। और देखिए यहाँ चाल देंगे, तो देखिए इसका जो आटा है, ये आटा फेंकेंगे नहीं, इसको हम जब बनाएंगे भात ना तो फिर उसमें हम यूज करेंगे इसको। तो सारे मक्का को मैं इसी तरह झाड़ लूँगी, चलने से चाल लूँगी। यहाँ हमने सारे मक्के के यहाँ चावल को देखिए यहाँ चाल लिए हैं। अब इसको मैं इसको फटक दूँगी क्योंकि इसमें भूसी बहुत है अभी। देखिए हमें यहाँ पर एकदम देखिए यहाँ भूसी फटक ली हूँ और मैं इसको अब धोऊंगी, इसको पानी से धोना है इसको अभी। अभी बहुत कचड़ा है तो हम दिखाते हैं आपको कि कैसे इसको हम धोएंगे। तो देखिए मैं इसमें पानी डाल दूंगी और इसको एकदम अच्छा से, इसमें बहुत सारा भी भूसी है, भूसी निकला नहीं है। और इसका पानी जो इसका पानी हम बाहर नहीं फेंकेंगे। देखिए इस तरह करके हम 5-6 बार इसको धोएंगे तो ही कचरा जाके निकलेगा। फिर मैं इस पानी को इसमें डालूंगी, मतलब यही प्रोसेस चलेगा। अभी 5-6 बार धोएंगे इसको तो यही प्रोसेस चलेगा कि इसमें इसी पानी को हम यूज करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर एकदम चावल जो मक्के का हम लिए थे चावल, उसको धो के देखिए एकदम साफ कर दिए हैं। और अब इसको मैं पानी गर्म होने के लिए रख दी थी, तो देखिए हमारा पानी भी गर्म हो चुका है, उबल रहा है पानी। तो मैं अब इसमें डाल दूंगी इसको, थोड़ा टाइम लेता है, बहुत लेट तक सीझता है, पकता नहीं है जल्दी ये। तो इसको आधे घंटे हम आज पकाएंगे। देखते हैं मेरे भात का क्या हाल है। तो देखिए अभी उबलने चालू अब हो गया है। और हाँ, इसको चलाते रहना है, अगर नहीं चलाते रहिएगा ना तो ये डेक्ची में ना बर्तन में चिपक जाता है। तो हम इसको ढक ढक करके अभी पकाएंगे। और जो आटा हम निकाले थे चाल करके, देखिए इसको भी मैं इसमें डालूंगी। अभी नहीं, अभी अगर डाल दीजिएगा ना तो फिर चलाने में ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, चलता नहीं है जल्दी। और थोड़ा ध्यान से इसको जब पकने पक जाता है ना तो फिर इतना ये उड़ता है ना कि चेहरा वगैरह सारा चीज़ जला देता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको बनाना है, थोड़ा अलग हट के बनाना है। देखिए यहाँ पर मैं कैसे, देखिए उबल रहा है अब। अभी आप इसको दूर से ही आप बनाइएगा क्योंकि ये बहुत उड़ेगा अब। आप इसको ना दाल के साथ खाइए या सब्जी के साथ खाइए, कढ़ी के साथ खाइए, बहुत मज़ा देता है खाने में, टेस्टी भी है, हेल्दी भी है, बच्चों के लिए, बूढ़े के लिए, सबके लिए। ये मोटा अनाज बोला जाता है और लोग मेही अनाज बोलते हैं, तो मेही में उतना पौष्टिकता नहीं अब रह गई है क्योंकि सारा चीज़ अब तो खाद पर तैयार किया जा रहा है। और ये है कि इसको तो खाद भी नहीं डाला जाता है, ऐसे ही हो जाता है, थोड़ा बहुत इसमें डलाता है, इसलिए खाद्य पदार्थ थोड़ा दूर ही रहता है और इसीलिए सेहतमंद है। और विटामिन भी बहुत है इसमें। अगर किसी रोगी को अगर आप 1 महीना ये खिला देते हो बनाकर ना, देखिए वो एकदम चंगा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाता है आदमी, क्योंकि इसमें विटामिन से ये भरपूर है। ये मक्का ही है लेकिन विटामिन से भरपूर है। ये जो भुट्टा हम लोग खाते हैं ना, तो भुट्टा में तो उतना विटामिन है तो वो तो आग पर जल जाती है, लेकिन इस और हाँ इसका हम लोग खीर भी बनाते हैं, रोटी बनता है, लिट्टी बनता है, इसका सत्तू भी बनता है। और इसका सत्तू बनता है तो सत्तू हम लोग घी में सानेंगे तो ही अच्छा लगेगा, पानी वाला अच्छा नहीं लगता है। पानी थोड़ा बहुत यूज करते हैं लेकिन ज़्यादा घी का यूज होता है उसमें। और इसका खीर बनेगा, खिचड़ी बनेगा, हर चीज़ का आप, अरे आपका अपना मन चाहे इसको जैसे भी बनाइए खाइए। और इसका हलवा भी बनता है, इसका आटा अगर पिसाया रहता है ना तो इसका हलवा भी बनता है। तो देखिए अभी मेरा अभी और अभी अभी देखिए तो बन रहा है अभी अभी इसको, और मैं 5-10 मिनट और पकाऊंगी, इसको ढक ढक करके पकाऊंगी, ऐसे ही नहीं पकेगा ये, नहीं तो पूरा चेहरा जल जाएगा एकदम। देखते क्या हाल है,
देखिए कैसे उड़ रहा है, देखिए। इसीलिए बोले हैं कि थोड़ा सावधानी से इसको बनाना है। और ये वो आटा है जो हमने चाला था उसको, चाली थी तो उसको मैं पानी देखिए थोड़ा सा डाल के इसको घोल दूंगी। और अभी नहीं, ये भी पक जाए इसके बाद ही मैं इसको डालूंगी इसमें। बहुत उड़ रहा है, बहुत अभी पका नहीं है, देखिए अभी कच्चा है ये। देखिए इसका हाल, अभी भी नहीं पका है। ये कैसे उड़ के बाहर आ रहा है देख लीजिए। ये बोल रहा है कि हम बाहर जाएंगे, हम इसको बाहर आने नहीं देंगे। ये आएगा कहाँ से बाहर, वो ढक के इसी में रखेंगे। देखते तुम कैसे बाहर आते हो। सपना कैसे देख लेहल बहरी आवे के, तोरा के यही मेरा खबरे ढकनवा से ढोक के, तोरा के यही मेरा खबरे ढकनवा से ढोक के। देखिए हमारा, देखिए उस वक्त कितना पतला था, अभी देखिए पकाते पकाते इसको मैं एकदम गाढ़ा बना दी हूँ। और बच के यह बहुत ही देखिए उड़ रहा है। और जो मैं निकाली थी इसका आटा, मैं इसको इसमें यूज कर दूंगी, डाल दूंगी। अब ये आटा डालने से ना ये पूरा एकदम लटपट हो जाता है, और खाने ले ऐसे अगर आटा आप नहीं डालते इसमें इसमें तो ये एकदम भूसा की तरह हो जाता है। तो देखिए मैं चिपका भी नहीं है क्योंकि हम चलाते रहे, जब से हमने चावल इसमें डाला है तब से चलाते रहे हैं। तो देखिए हम नहीं चिपका है, मेरा जरा सा भी नहीं चिपका है। और जो आटा भी मैं डाली थी तो अभी और इसको 2 मिनट ना पका लूंगी। अभी ये ठंडा होगा तो और ये जैसे चावल का बनता है ना वैसे एकदम चावल जैसा हो जाएगा। अभी
तो ये रहा मक्का का भुट्टा का भात और ये बनकर तैयार हो गया। मैं इसको ढक करके छोड़ दूंगी, गैस बंद कर दूंगी और जो भी रहा सा है सब इसमें बराबर हो जाएंगे। तो चलिए आप लोग भी अपने घर पर बनाइए, बना करके खा करके कमेंट में बताइए कि कैसा लगा आज का डिश, और बने रहिएगा, कल एक और नया डिश आपको बताऊंगी। थैंक यू।